हम यहाँ से अपने शीप फार्म को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैंने जो डील बताई थी आपको, जो शीप को बेचना था, जितना आप ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बेचें। और शीप फार्मिंग यही है, सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज, यही है शीप फार्मिंग। लेकिन जब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज श्रीशेन, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं, तो अभी जो है वो मौसम बहुत ही गर्म है क्योंकि हीट वेव जो है वो नेक्स्ट 7 डेज का जो है वो दिखा रहा था। तो अभी उसमें से जो है वो 3 दिन हो चुके हैं और अभी जो है वो हमें और 4 दिन जो है वो अभी सब्र करना पड़ेगा ये हीट वेव को जो है झेलने के लिए। और सच कहता हूँ कि गर्मी उतनी नहीं है, बट ह्यूमिडिटी इतनी है कि पसीना जो है वो खुद ब खुद आ जाता है। तो हाँ, लेकिन हाँ, अल्लाह ताला जो है वो मालिक है, खालिक है, उसको जो करना है वो करेगा। तो अगर हीट वेव जो है वो चाहते हैं कि हीट वेव हो, तो हीट वेव जो है वो होगी। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा होगी इफ़ अल्लाह विल्स, अगर अल्लाह चाहे तो। तो अभी आपको पता है कि ईद, जो बड़ी ईद है वो आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे हमारे शीप फार्मर हैं जो कि इस ईद का जो है वो बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपना स्टॉक लिया हुआ होता है जो उनको बेचना होता है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे इस व्लॉग में। और इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे प्रोसेस रहता है, कौन सा प्रोसेस रहता है, क्या हम करते हैं उस टाइम। इंशाल्लाह हम सब जो है वो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम सब जो है वो कुर्बानी कर सकें। और मैंने भी स्टॉक जो है वो अपना तैयार कर लिया है, लेकिन अभी उतना जो है वो अभी उसमें से थोड़े थोड़े जो है वो छोटे, फिर मैंने जो है वो और भी लाने हैं, वो मैं इस वीडियो में बाद में बात करूंगा। पहले हम चलते हैं बहलूल को लेके। हाय हाय, क्यों हो गई? पुष्पा पुष्पा कर, पुष्पा 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 कहा करे करे बहलूल, पुष्पा 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 राज कर, जरा दिखाओ पुष्पा राज। बहलूल पुष्पा राज गाओ, पुष्पा राज चलो, पुष्पा राज पुष्पा राज पुष्पा राज चलो चलो आ जाओ यहाँ पे करो। अब्दाल के साथ जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? अब्दाल के साथ कहाँ पे जाएंगे? ऊपर से शोर। ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है चेहरे पे, क्या है ये? चॉकलेट खाया है? मैं क्या खाया चॉकलेट? आपको कुछ नहीं साथ? नहीं, आ जाओ मेरे साथ, चलो मैं जाऊंगा, फिर मुझे देर हो गई। शूज शूज लाना है? चलो लाओ शूज जल्दी जल्दी। इस साल जो है वो कुछ अलग ही रहा, मैंने जो है वो इस साल बहुत सारे शीप जो है वो बेचे हैं क्योंकि स्टॉक बहुत था, तो बेचे हैं और लिए भी हैं। बहलूल मत करो, और इंशाल्लाह मुझे अभी फिर से लेने हैं, तो वो प्रोसेस अब मैं आपको समझाऊंगा क्या रहता है। पहले मैं बहलूल से निपटता हूँ यहाँ पे। क्या है, क्या सवारी तुम्हें? कर स्टार्ट, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट करो, करो स्टार्ट गाड़ी, जरा फिर से करो, ये डाउन है। हाँ नहीं, दे दो एक्सीलेटर नीचे नीचे दे दो। हाँ हमारे शीप फार्मर्स है वो इस ईद पे ना बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनका जो है वो स्टॉक जो है वो अच्छे दामों में बिक जाएगा। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है वो अच्छे दाम लगाएं, जो है वो जेन्युइन जो है वही दाम लगाएं, बाकी वो रेट्स आप ना लगाएं जो आप सोचोगे भाई मतलब मैं एक एक शीप में 8-9 हज़ार कमाऊं, वो गलत है, वैसा नहीं करना है। जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन है वो करें, जो मुनासिब रेट है उसी रेट पे जो है वो भेजें। तो अभी बहुत सारे लोग ना मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि उनको जो है वो शीप लेनी है, वो भी बहलूल ना मुझे मुझे बैठने नहीं देगा। क्या करना है, ऐसे वो उसको टच नहीं करना, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस
अभी हम बहलू और मैं यहाँ पे बैठे हैं, तो गर्मी भी है। बहलू को गर्मी नहीं लगी, मुझे पसीना आता है। खाओ एक। नहीं इसको नीचे नहीं, मामा मारेगी, मामा मारेगी। अल्लाह क्या खाएंगे ये, खाएं। ये इतना कौन खाएगा? इंशाल्लाह जो है वो सबको मिलेगा। मैंने तकरीबन 20-30 तक जो है वो रखने हैं, 20-30 तक रखता हूँ मैं, तो वो भेजेंगे इंशाल्लाह। और खुद के लिए भी इस साल मैं जो है वो एक अच्छी नस्ल का शीप कुर्बानी के लिए रखा है खुद के लिए, तो इंशाल्लाह। और सबको मैं यही बताऊंगा कि बहुत सारे जो है वो चाहते हैं कि कुर्बानी करना, आधों को जो है वो मतलब वसत होती है और आधे जो है वो इस चीज़ से महरम ही रहते हैं। अगर हम चाहे हम उन सब को जो है वो अच्छी मुनासिब रेट पे अगर हम प्रोवाइड करें तो वो भी कर सकते हैं। कुर्बानी हर कोई करना चाहता है जिंदगी में, बस आप हम सोचे कि बस कमाना है कमाना है कमाना है, भाई थोड़े बहुत जो है वो आखिरत के लिए भी जो है हमें कुछ करना है। आखिरत अपनी बनाओ, अगर कोई चाहता है कुर्बानी करना तो उसको जो है वो सस्ते दाम में दे दो। कितना खाए खाओगे ये टॉफ़ी? ये गलत है, इतना नहीं खाते, ये गंदा है। तो सबको जो है वो हक है कुर्बानी करने का। हाय। हाँ, और मैंने जो है वो किसी जगह शीप भी लाने हैं कुर्बानी के लिए ही, क्योंकि मेरे फार्म में अभी उतना स्टॉक नहीं था। एज यू नो कि मैंने इस साल जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो सेल की है कंटिन्यूसली, तो इंशाल्लाह अभी 10-15 मेरा टारगेट है कि लाऊंगा। और क्योंकि मार्केट जो है वो अपना बहुत जो है वो एक्सपेंड हो चुका है मेरा, तो इसीलिए मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स को जो है वो किसी और जगह नहीं बेच सकता। तो एक मोटिवेशन पावर जो होता है वो शी फार्मिंग से ही मिला है मुझे, दैट्स वाई कि मैं ये बोलता हूँ कि मुझे शी फार्मिंग से सब कुछ मिला है। तो हर कोई बिजनेस मेरा जो है उसको मैं कि मतलब कम दर्जे का नहीं लेता। जैसे अगर मैं बताऊँ, मेरा शोरूम है ब्राइडल शोरूम, अच्छा खासा शोरूम है। मैं अगर उसको अलग प्रायोरिटी दूं तो शी फार्मिंग को अलग प्रायोरिटी दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी अंबिया है ना, जितने भी अंबिया है, अल्लाह ताला ने हर किसी को बचपन में जो है वो शीप को जो है वो शीप के साथ रखा है। आप कोई भी जो है वो ले लो, कोई भी अंबिया हमारे सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम के, कोई भी अंबिया ले लो, हर कोई जो है वो बचपन में शफर्ड था। कुछ जाहिल लोग जो होते हैं ना, वो जब मैं पहले हाँ जब मैं पहले शीप व्लॉगिंग करता था, शीप्स के बारे में बोलता था, कहाँ पे गिर गया, शीप्स के बारे में बोलता था, देन वो कुछ जाहिल लोग, गवार लोग मुझे कमेंट में लिखते थे कि हर कोई बकरवाल नहीं होता, हर कोई ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं उनको जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनको जवाब दूं तो वो उस जवाब की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे सी टाइप लोगों के मुंह नहीं लगता, और अगर लगूं, अगर उनके मुंह में लगूं तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं फिर, दैट्स वाई कि मैं फिर नज़रअंदाज करता हूँ। तो कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो ये सब लिखते हैं और दूसरों को जो है डिमोटिवेट करते हैं, बट मेरा क्या था, मेरा ओनली फोकस पॉइंट था कि लोगों को बताना, अपने यंगस्टर्स को बताना कि भाई आप शीप फार्मिंग से भी जो है वो अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो, एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ शीप फार्मिंग से, और जो है वो जिससे आपकी लाइफ जो है वो बेहतर रहेगी। और ये है बहलूल, इसने सब ट्रॉफी जो है वो इसमें भर ली, और अब बोल रहा है मुझे जाना है नीचे, तब तक नहीं गया जब तक सारी की सारी ट्रॉफी जो है वो इसने इस पॉलिथीन में फिर से ना भर ली। तो अभी दोपहर के 2 बजे खाना खाते हैं पहले, और उसके बाद हमें जाना है कहीं पे, तो वहाँ भी जाएंगे, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे क्या करेंगे। और फिलहाल के लिए
हम अभी खाना खाते हैं और जो है तब तक वीडियो एडिट भी कर लेंगे। अभी जस फार्म पे कुछ बंदे आए थे तो उनको बेच चाहिए थे। मैंने सोचा एक दो चाहिए लेकिन उन्होंने जो है वो तकरीबन 10-12-13 मांगे। वैसे तो मैंने अभी रेट वगैरह का बोल दिया तो अब इंशाल्लाह देखते हैं अगर होगा उनके नसीब में या हमारे नसीब में तो डील होगी, अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने मुनासिब रेट ही बोली इंशाल्लाह, तो जेन्युइन रेट जो भी है जेन्युइन रेट जो है वो मैंने बोल दूंगा। और मैं अभी यहाँ पे अपने शोरूम पे जा रहा हूँ क्योंकि देखो भाई जब काम करना है तो काम करना है। अभी फार्म पे मैं बीच बीच में भी जाता हूँ क्योंकि फार्म पे ऑलरेडी बंदा है तो अभी ग्रेजिंग करने के लिए दिन में जाते हैं तो फार्म पे होता भी नहीं कोई, फिर वो शाम को आते हैं तो दैट्स व्हाई कि मैं अभी उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ फार्म पे। लेकिन हाँ व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया कुछ दिनों से क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं, लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूसली मैं अपलोडिंग जो है वो पे फोकस करूँगा। और ये देखिए आप ट्रैफिक जैम, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ डल गेट से लेके हारवन तक बराबर, और ये है मिनाज आप देख सकते हो, डल गेट से लेके हारवन तक हमारे साइड से ना कभी ट्रैफिक जाम होता ही नहीं था। ये वाहिद एक ऐसी जगह होती थी जहाँ से ट्रैफिक जाम होता ही नहीं था, तो आज सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम इन्हीं रास्तों पे होता है। और ये सिर्फ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट की जो है वो लापरवाही है। ये जो स्मार्ट बसेस आप देख रहे हो ना, सबसे ट्रैफिक जाम जो होता है ना, सबसे रीज़न जो है मेन रीज़न वो ये स्मार्ट बसेस है। हमने कुछ लगाया है यहाँ पे डिज़ाइन के लिए सज रहा है यहाँ पे फूल। और यह है आमिर जो कि यूपी से है, कहाँ से, लखनऊ से, बिहार से है, और बहुत ही परेशान है। परेशानी की वजह आमिर भाई? हाँ कुछ नहीं, ठीक है। सो गाइस अभी हम यहाँ से अपने शीप फार्म को कंट्रोल कर रहे हैं, और मैंने जो डील बताई थी आपको जो शीप को बेचना था कुछ 10-12 शीप थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब रेट में जो है वो हमने बेच दिए हैं। आज सुबह जो है वो मैंने एक जगह से जो है वो तकरीबन 15 शीप्स जो है वो ख़रीदे हैं। वैसे मैं नहीं ख़रीदा क्योंकि एज ए सेट कि मैं अपने कस्टमर्स को जो है वो जो मेरे कस्टमर्स हैं जो मेरे पास आते थे इससे पहले भी, मैं उसको उनको जो है वो मतलब किसी और जगह नहीं बेच सकता क्योंकि ये बिज़नेस के रूल में नहीं है। अगर कस्टमर जो है कस्टमर के लिए अगर आपको किसी भी जगह जाना चाहे जो उसका जो प्रोडक्ट है उसके लिए वो आपको जो है वो लाना पड़ेगा अगर आपके पास अवेलेबल ना हो। तो वैसे ही मेरे पास थे शिप तो मैंने बेच, मेरे पास मतलब 10-15 दिन हुए कंटिन्यूसली जो है वो फार्म पे आ रहे थे बंदे तो अभी कम थे, तो जो पिछले साल या उससे पहले साल लेते थे मेरे पास उनके लिए भी जो है वो मतलब उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें यहाँ पे जाना है और उठाना है। दैट्स वाई कि मैंने फिर जो है वो तकरीबन 10-15 और लाए क्योंकि मैं किसी का जो है वो उनको निराश नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मार्केट मैंने देखा है कि थोड़ा हाई हो चुका है। पिछले साल जो है वो इतना ही था जितना आज है, पिछले साल रेट्स मुख्तलिफ थी, इस साल रेट मुख्तलिफ है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ कि कोई कोई जो है वो पर केजी के हिसाब से नहीं बेचता, दैट डजंट मीन कि वो लाखों कमाता होगा उसमें, नहीं। उस बेचारे को जो है वो उसमें मतलब जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है वो नहीं आता होगा, जैसे कि एज ए मेंशनड अर्लियर कि अभी रेट्स ना बहुत बढ़ चुके हैं और उन पे जो है वो खर्चा भी बहुत हुआ होगा। जैसे अभी अगर हम लाइव केजी का देखें तो 350 जो है वो लोकल मीट भी जो है वो मिलता है,
तो अगर कोई जो है वो 350-370 भी लेगा दैट इज फाइन, दैट इज ओके, बट 450 ऐसे जो है वो गलत है। 360-370 जो है वो आई थिंक जेन्युइन है, ठीक रेट है। 350 भी ठीक है, 350-360 इवन 370 में बोल रहा हूँ ठीक रेट है। तो यही जो है वो अभी मार्केट अप हो चुका है, रेज हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सके आप जो है वो अपने लिए जो है कुर्बानी के लिए अगर जानवर लाना हो तो लाएं, क्योंकि आगे जितना मतलब दिन जितने दिन जो है वो गुजर जाएंगे उतना जो है वो रेट्स में भी हाई हो सकते हैं। तो बस यही कहना चाहता था। और मेरे फार्म पे जो है वो तक सुबह मैंने जो है वो स्टॉक जो है वो लाया था, वो मैंने जो है वो पेज सॉरी वीडियो पे नहीं अपलोड किया क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, एज ए सेड कि मैं थोड़ा बिजी होता हूँ। तो फार्म पे मैं दिन में जाता हूँ, बट दिन में क्या होता है, दिन में वहाँ पे हमारे शीप नहीं होते, दैट्स वाई कि मैं शीप के जो है वो वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाता, बट इंशाल्लाह जो है वो वीडियो जो है वो तो आते रहेंगे। तो बात यही करते हैं कि अब रेट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब जैसे और जितना जल्दी हो सके अपना स्टॉक निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब रह जाता है तब मतलब फिर वैसा अभी चांसेस है बेचने के लिए, जितना आप ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेचें। और शीप फार्मिंग यही है, सेल परचेज यही है शीप फार्मिंग। लेकिन जब आपके पास स्टॉक हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं आपके पास 20 होंगे या 30 होंगे आप सेल परचेज करोगे तो वहां पर बचेगा ही नहीं कुछ। बस यही है शीप फार्मिंग, बस यही 2-3 साल बाद जब आप शीप फार्मिंग जो है कंटिन्यू करोगे 3 सालों तक, देन फिर आपको खुद समझ आएगा। तो बस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वैस ऋषि को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।